अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कीमा आलू की रेसिपी हमारे स्टाइल में। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने दो कांदे और एक टमाटर काट कर ले लिए, दो आलू चॉप करके ले लिए, दो चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट। हमने मटन कीमा 300 ग्राम लिए। पाउडर मसाले में दो चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, दो चम्मच गरम मसाला पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर, नमक अपने हिसाब से ले। एक पैन को गरम कर ले, उसमें 3 चम्मच तेल ऐड करें। जब तेल गरम हो जाए उसमें कांदे ऐड करें। कांदे अच्छे से मिक्स होने के बाद उसमें हम आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे, उससे कांदे जल्दी लाल हो जाते हैं। जब कांदे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। कांदा और टमाटर अच्छे से मिक्स करने के बाद उसे 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकने दें, उससे टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाए अच्छे से उसे हम मिक्स करेंगे। अब उसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट, डाल के दोनों अच्छे से मिक्स कर ले। अदरक लहसुन की कच्ची महक ना आए। फिर उसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले। पाउडर मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से उसे मिक्स कर ले। अगर मसाला सूखा है तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स करेंगे। अब मसाले को अच्छे से भून ले, मसाले में कच्चापन नहीं रहना चाहिए। पाँच मिनट तक हम मसाला भूनेंगे। जब मसाला अच्छे से भून जाए तो उसमें हम कीमा ऐड करेंगे। कीमा ऐड करके उसे अच्छे से मिक्स करें। जब कीमा अच्छे से मिक्स हो जाए उसमें हम चॉप आलू डाल देंगे। आलू डालने के बाद अच्छे से मिक्स करें। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद उसे हम 5-10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के पकने रखेंगे। हमें इतना पकाने कि हमारा कीमा और आलू दोनों गल जाए। हमारा कीमा और आलू गल चुके हैं। अब इसे हम हरा धनिए से गार्निश करेंगे। हमारी रेसिपी रेडी है। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।